It is 6:20 in the morning and it is time for me to get up, get ready and get going for the day. Hello you all and welcome to today's vlog. My name is Akanksha. I hope you all are doing absolutely great at home, safe and sound. माफी चाहती हूँ कि सुबह सुबह मैं इसका इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं कर रही हूँ, तो शुरुआत की थोड़ी सी वीडियो आपको ऐसे वॉइस ओवर में ही मिलेगी. एक्चुअली मैं उठती हूँ इसी टाइम पे 6:20 के करीब और 7:30 बजे के करीब हमारा कैब आ जाता है टू टेक अस टू दी वेन्यू जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग सेंटर चल रही है. सो मैंने सोचा कि एक डेट मैं लाइव बना लेती हूँ ताकि आपको सारे अपडेट्स और सब कुछ बता पाऊँ. आई नो रिसेंटली व्लॉग्स नहीं डाल रही थी बिकॉज इतना भसड़ रहता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता रिकॉर्ड करूँ कि तैयार हूँ कि मैं क्या करूँ. बट आज मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं भाई, थोड़ा सा तुम कैमरा एक साइड में लगा लो बट रिकॉर्ड करना ही शुरू कर दो. सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है ब्रश करने से और अपने आप को फेस वॉश और सब कुछ रेडी करने से. उसके बाद आई स्टार्ट विथ माई स्किन केयर बिकॉज इतना सारा मेकअप पोतना है तो स्किन को उसके लिए रेडी भी तो करना होगा. सबसे बुरा पार्ट पता है मुझे क्या लगता है? सुबह सुबह ये डिसाइड करना कि कपड़े क्या पहन के जाना है. ये एक ऐसा डिसीजन है जो मुझे लेना एकदम नहीं पसंद है. मैंने अभी भी अपने जब शॉपिंग की ना, मैंने गिन के 4-5 ही टॉप्स लिए जो कि एकदम बेसिक हैं और जो सबके साथ चल जाए. एनीवेज कपड़े डिसाइड करने के बाद अगेन आई एम बैक विथ माई स्किन केयर. सो पहले ना मैं थोड़ा सा टोनर लगा के अपने फेस को थोड़ी देर उसको ड्राई होने देती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विथ माई स्किन केयर प्रॉपरली. ये मैंने रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट खरीदा है, कॉसरेक्स का टोनर और उसका मॉइस्चराइजर. काफ़ी अच्छा है मेरे स्किन पे. यहाँ के मौसम के हिसाब से अभी तो ये मेरे पे अच्छा तरीके से सूट कर रहा है, वरना पहले जो प्रोडक्ट्स है मेरे पे सूट नहीं कर रहे थे. वैसे एक चीज़ जो हम हर रात सोने से पहले सोचते हैं वो ये होती है कि हम सुबह जल्दी उठेंगे ताकि हम जल्दी से तैयार होकर सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर निकल पाएं. बट एज यूजुअल कौन कौन मेरे से रिलेट कर रहा है प्लीज़ ज़रूर से बताना. हम लोग अलार्म लगाते हैं 6:10 का, फिर 6:15, 6:20, 6:25 और लास्ट में 6:30, और उसके बाद हमारे पास अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं रहता है. बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ आज हम जल्दी तैयार हो गए, हम सही से अपना ब्रेकफास्ट करके निकल पाते हैं. एनी वेज दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं था. पता नहीं क्यों मेकअप भी सेट नहीं हो रहा था शक्ल पर, गुस्सा अलग लग रहा था. सो हमारा ट्रेनिंग सेंटर तो अभी गुड़गांव में है, जहाँ हम जाते हैं वो ना काफ़ी दूर है फ्रॉम जहाँ हम रहते हैं. तो इसलिए ये भी है कि हमें ना 9 बजे अगर पहुँचना होता है तो हमें यहाँ से 7:30 बजे तक निकलना ही पड़ता है. अनदर गुड पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग इज दैट आई हैव गॉट प्रकृति विथ मी. बोथ ऑफ अस नो ईच अदर फ्रॉम आर प्रीवियस एयरलाइन. हम लोग पहले साथ में फ्लाई भी किया हुआ है एंड द बेस्ट पार्ट इज हम लोग का अभी भी बैच साथ में है एंड बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम बैंगलोर एज वेल. वैसे ब्रेकफास्ट के लिए उतना टाइम नहीं मिला था तो एक एक ब्रेड और चाय तो हमने बना ली थी एंड वही हम लोग फटाक से खा रहे थे क्योंकि नीचे ना कैब भी आ चुका था. बट इस मैडम को लग रहा था थोड़ा सा एनर्जी तो वो अपना डांस करने में लगी थी. मुझे भी लग रहा था कि सुबह सुबह इसके पास इतना एनर्जी आया कैसे, बट कोई बात नहीं, अच्छा है. वैसे एक ब्रेड से तो कुछ होने वाला है नहीं, जब तक हम पहुंचेंगे हमें फिर से भूख लगने लग जाएगी. बट हमारे क्लास में जो दूसरी लड़कियां ना वो लोग हमेशा घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कभी छोला भटूरा, कभी कुछ और, कभी कचौड़ियाँ, तो ऐसे ना हमारा दिन अच्छा निकल जाता है. एनी वेज लेट हो रहे हैं तो फटाक से पहन लिया मैंने सॉक्स एंड आई वॉज ट्राइंग टू वेयर दिस हील टूडे जिसको मैंने आज तक नहीं पहना था, मतलब इसका उद्घाटन नहीं किया था. तो जैसे तैसे इस हील को पहन लिया और प्रकृति मैडम तो यहाँ नहीं पहनती है क्योंकि हम लोग 4th फ्लोर में रहते हैं तो प्रेफर करती है कि हम नीचे चल के जाएँ फिर वो नीचे जाके हील पहनती है. बट जब मैं उतरना शुरू कर ही रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें इतना हील है ना मुझसे चला तो जाएगा है नहीं. तो मैंने भी उतारा, हील्स पकड़ा अपने हाथों में और भाग लिया क्योंकि कैब नीचे वेट कर रहा था एंड काफ़ी लेट होने लग गई थी अब तो. लाइक आई हैड ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, हमें ना पहुँचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है. सो आइदर वॉट वी डू इज वी लिसन टू म्यूजिक और आई एंड अप स्लीपिंग इन द कार. वैसे दिल्ली की ठंडियाँ बहुत हद तक कम हो गई है, सुबह अच्छा खासा धूप आने लग जाता है. सो वी हैव स्टॉप्ड कैरिंग अ जैकेट, हम अब सिर्फ शर्ट्स में ही जाते हैं. बट बाई गॉड जब शुरुआत हुई थी ना तब तो मुझे बहुत ठंड लगती थी, मुझे लगता कैसे गुजारूंगी मैं अपना टाइम यहाँ पे. वैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो पूछते हैं कि दीदी आप तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो आप ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो. द पॉइंट बीइंग कि हम एक दूसरे एयरलाइन में हैं, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होगा, वहाँ का एयरक्राफ्ट अलग होगा, तो सब कुछ की ट्रेनिंग भी तो अलग होगी ना. एंड दैट इज़ वन रीज़न कि हमें पूरा टाइम यहाँ पे देना पड़ता है. लंच टाइम हो गया था एंड दिस इज़ व्हाट आई हैड फॉर लंच. प्रकृति वॉज इन द वॉशरूम बट मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने शुरू कर दिया. हर दिन वैसे कैंटीन में भी अच्छा अच्छा लंच ऑप्शंस रहता है, तो आज था आलू का सब्जी, दाल, चावल, रोटी और कलाकंद भी. एंड फिर अपना ट्रेनिंग खत्म करके @5:00 हम पहुंच गए वापस अपने घर. हमें भूख लग रही थी तो बीच रास्ते मैडम को खाना था मोमोज और साथ में नूडल्स ही बाजू की दुकान से. वैसे मैंने अपने लिए ले लिया था ढोकला और एक समोसा भी खा लिया था. घर पे गगन भी वेट कर रही थी, उसको मैंने बोला था आलू पराठा बनाने, पहले उसे नाटक किया बट जब हम घर पहुंचे तब पता चला कि वो यार आलू पराठा का भी तैयारी करके रखी थी. बट एनीवेज फिर नीचे पहुंच के मैंने जूतों को उठा लिया बिकॉज ऊपर चढ़ना भी एक टास्क ही होने वाला था. एंड हियर इज मैडम गगन. भाई इतना पाँव दर्द हो गया ना मेरे से आज. भाई तू क्या इसको रख ले क्या? ठीक है थैंक यू भाई. हम तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेके आए हैं. ढंग से तो बनने दिया करो फिर. जाओ ढंग से बन के आओ पहले. ढोकला लेके आए हैं. लेके आई और ये वो तुम लोग का चिकन मोमोज है. तुम प्रेग्नेंट हो गए?
में हाँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब बोली आलू पराठा के लिए तो ये क्या है? क्रेविंग्स था, क्रेविंग्स इसका भाई तो मेरा नहीं बना रही फिर तो डिनर करेंगे ना वो लंबी लग रही है ना कॉम्प्लेक्स फील आ रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है भाई, लगती है 30-32 की बिल्कुल नहीं लगती। हाय हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। कितने मोनोटोनस लग रहा है। नहीं मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, बट मैं बना रही हूँ क्योंकि उसको वो आ रहा है आलस, थकान हो रहा है। यू नो द मीनिंग ऑफ थकान? थकान वही वाला थकान। थकान थकान हो रहा है, थकान थकान नहीं थकान। क्या हो रहा है? तकान। ओके हाय यू गाइस, सॉरी टू स्टार्ट और गिव द इंट्रोडक्शन सो लेट, बट वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह से यार देख ही रहे होगे, कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज वी वेक अप लाइक 6:30 इन द मॉर्निंग। सो रही है, पढ़ाई भी करना है अभी, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है। मैंने तुमको तुमसे प्यार किया। रुको मैं उस रूम में जाके बोलता हूँ। अभी नहीं तोड़ा। ओके व्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह से ही, बट आई एम गोना गिव दैट इंट्रोडक्शन। हाय ऑल एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। माय नेम इज आकांक्षा, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एट होम, सेफ एंड साउंड। गगन इज आल्सो एट होम और उसको मैंने ऐसे ही बोला भाई आलू पराठा खाने का मन कर, तो उसने आलू पराठा की पूरी तैयारी कर ली थी, बट देन प्रकृति वॉन्टेड टू ईट मोमोज तो उसने थोड़ा सा मोमोज ले लिया, फिर एक चाउमिन भी उठा लिया, बट अभी हमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम चाउमिन खोल के खा लें। नाउ वी हैव टू रिमूव आवर मेकअप, हैव शावर एंड देन अगेन स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज कल हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है। बट अभी इतनी आलस आ रही, इतना नींद आ रहा है ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल मेरा ना दिन ऐसा ही जाता है, इसलिए ना मैं काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाल रही थी बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि मैं क्या दिखाऊँ यार, कि मैं खाली जाके आ रही हूँ फिर मैं थक के सो जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि What do I show? But anyways, vlog डालना फिर से शुरू होगा, तो हाँ daily क्या चल रहा है मेरे लाइफ में वो सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, so stay tuned for that. Lal, let's go out and I want you all to see the laziness in our house. She has started removing her makeup. अभी कोई बोल रहा था नहीं उठेंगे makeup उतारने के लिए। Skin तो care करना पड़ेगा। Skin हाँ, skin care करना जरूरी है। जरूरी है। वैष्णवी भी अभी नहीं है यार, वैष्णवी got pulled out for a flight and now I should also take out my things to remove my makeup. हाँ सॉरी अगर आपको थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा है, वो एक्चुअली हमारी मेड नहीं आई और ये सब हमें समेट के रखना है। What if person got pulled up for international flight? No, this time there's no departure, no? एग्जाम हो या कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। अभी सौम्या का फोन है कि सौम्या अभी घर आ रही है। कल हमारा एग्जाम हो या विल्ला भी हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम विल्ला है साथ में। एग्जाम नहीं है, पढ़ना पढ़ना मुंह से पढ़ना है। सौम्या भी आ रही तो हो गया पढ़ाई। Before she comes, we should study off, bro. Do I look like I'm in that state? Sorry. अब मैं सोच रहा हूँ अब हम लोग सब कहाँ सोएंगे? मैं तो ऊपर सोऊंगी मेरे बेड पे, मुझे कल क्लास है। फिर से गद्दा निकलेगा बिस्तर के नीचे से। आई फील मैंने अपने पुराने उसमें आ गई हूँ, जोन में आ गई हूँ जहाँ हम लोग सब साथ में शायद दोस्त रहते थे ना, वैसा टाइप का जोन में आ गई हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नीचे भी लग जाएगा। सौम्या आ रही है तो इतना लेयर ऑफ मेकअप हो जाता है ना कि बाद में मेरे को लगता है मेरा स्किन फटने लग जाएगा बहुत सारे। बाप रे, विल यू सी हाउ मच मेकअप आई हैव टेकन आउट? यहाँ पे मैं सो भी गई है। अब मेरे को मन कर रहा है कि मैं इसको उठाऊं और बोलूं कि भाई पढ़ाई करना है, बट मेरे को खुद भी नींद आ, 9 बज गए अब समझ में नहीं आ रहा सो जाएं या फिर पढ़ाई करें। वेल आई एम पार्शली रेडी फॉर द एग्जाम बिकॉज कुछ दिन पहले हमारा फिर से एक सस्पेंड हुआ था, तो सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे, बट 3 दिन में जो पढ़ाई हुई है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। ये 3 दिन की पढ़ाई हमने नहीं की है ढंग से, सो आई एम थिंकिंग अभी सो लेते हैं, कल सुबह पढ़ेंगे, बट कल सुबह टाइम ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कब। एंड लाइक द ओल्ड टाइम गंगू इज बैक विद हर आलू के पराठे। भाई चेन्नई में इसने हमें इतने पराठे बना बना के खिलाए ना, एक ही चीज जो गंगू बहुत अच्छा बनाती है पागल बनाने के अलावा। अच्छा एक ही चीज? हाँ गंगू, और अच्छा नहीं नहीं मैगी भी, जो मेरी फर्स्ट रेसिपी थी ना मैंने जो मैगी बनाई थी सिर्फ हरा मिर्च और राई के साथ, वो भी गंगू ने बनाई थी। अच्छा तो सिर्फ मतलब मैगी तो, और दूसरा क्या बनाती है भाई?
भाई इतना कुछ तो बनाते हैं, जैसे कि यार एक चीज गगन जो सही में बहुत अच्छा बनाती है ना, वो है एक्चुअल में आलू के पराठे। वैसे तो मुझे भी बहुत थकान हो रही थी, नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, बट थोड़ा सा एनर्जी बचा था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। प्रकृति तो ऑलरेडी सो चुकी थी, वैष्णवी भी पुल आउट हो गई थी, तो उसको आते आते रात के 1:30 बज गए थे और जब तक वो आई तब तक तो मैं सो चुकी थी, तो इसलिए वो तो आपको इस वीडियो में नहीं दिखी होगी। बट कोई ना, आज आप गंगू के पराठे एंजॉय करो इस वीडियो में। यार डेली आके एक चीज जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो ये कि मेरे सारे दोस्त यहीं रहते हैं, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करना और पुराने यादों को ताज़ा करना, वो एक अलग ही मज़ा है। वैसे देखते देखते दिन कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, सुबह से शाम हो गए, शाम से रात, और हम ऑलरेडी थक थका के हो गए हैं चकनाचूर, इतना कि और कुछ करने का दिन में टाइम ही नहीं रहता है। इट्स जस्ट दैट सुबह उठ के जाते हैं, आते हैं, थक के फिर सो जाते हैं। डिनर सब डन एंड इट इज़ टाइम टू स्लीप। आई डोंट इवन नो ये वीडियो कितना बड़ा है, कितना छोटा बना होगा, बट दिस इज द एंड ऑफ द डे एंड वी आर गोइंग बैक। हम लोग इतना नींद में है ना कि हम लोग एकदम एनर्जी नहीं है बॉडी में, जा रहे सोने। और पता कितना बज रहा है? 12:15। और फिर कितने बजे उठना है? 6:00। तो अभी सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 घंटे भी नहीं सोएंगे ना, कल पता नहीं कैसे एग्जाम देंगे हम लोग। चलो, गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय बाय।